एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक जल्द ही शुरू कर सकती है ब्रेन चिप का ट्रायल। चिप उन सभी बातों को पकड़ने में सक्षम होगी जिन बातों को कोई केवल अपने दिमाग में सोच रहा होगा। मस्क के अनुसार यह चिप खास तौर पर दिव्यांग और नेत्रहीनों के लिए बनाई जा रही है। दुनिया के सबसे अमीर एलन मस्क कई कंपनियों के मालिक है, इन्हीं कंपनियों में से एक न्यूरालिंक भी है। यह कंपनी जल्द ही ब्रेन चिप का इंसानों पर ट्रायल करने वाली है। अभी तक कंपनी ने जानवरों पर इसके ट्रायल किए हैं, इंसानों पर ट्रायल करने के लिए अभी इस कंपनी को इजाजत नहीं मिली है। यह डिवाइस उन सभी बातों को पकड़ने में सक्षम होगी जिन बातों को कोई केवल अपने दिमाग में सोच रहा होगा। मस्क के अनुसार यह चिप खास तौर पर दिव्यांग और नेत्रहीनों के लिए बनाई जा रही है। इस डिवाइस का इस्तेमाल सबसे पहले नेत्रहीनों को उनकी दृष्टि वापस दिलाने के अलावा ऐसे लोगों की मदद के लिए भी किया जाएगा जो शारीरिक रूप से भी कुछ करने में असमर्थ है। पिछले साल कंपनी ने बंदर का एक वीडियो शेयर किया था जिसमें बंदर न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर वीडियो गेम खेलते हुए नजर आ रहा था। इसी साल फरवरी में आई खबरों के मुताबिक इस चिप के ट्रायल के दौरान 15 बंदरों की मौत हो गई, जिसके बाद डिवाइस को काफी विवादों का सामना भी करना पड़ा था। मस्क के अनुसार इस डिवाइस की मदद से शारीरिक रूप से किए गए कामों को ज्यादा तेजी से किया जा सकेगा, वहीं इस टेक्नोलॉजी को और भी एडवांस बनाया जाएगा ताकि दूसरे डिवाइस को भी कंट्रोल किया जा सके। इसलिए रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।